मॉर्निंग गाइस, दिस इज डे टू एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम आवर बालकनी। पहाड़ों में से उगता हुआ सूरज और चिड़ियों की चरचराहट, और क्या चाहिए एक परफेक्ट मॉर्निंग के लिए। इसी के साथ हम निकल पड़े हैं अपनी होटल से सुबह के करीब 10 बजे मनाली को एक्सप्लोर करने के लिए। और होटल इज लोकेटेड एट द पीक ऑफ होटल हिडम्बा देवी टेम्पल रोड। So it took us approximately 10 to 15 minutes to reach to main road, and this road covers premises of whole Hidamba Devi temple. So basically हमें पहले idea नहीं था at the time of booking the hotel like वो इतनी ऊंचाई पे होगा, but ultimately when you see the view from your balcony you will feel like इतना तो चलता है to get this view. But अगर आप चाहते हो booking कराते वक्त कि आपको main road से connected रहना है तो you can opt for hotels nearby the mall road. और इसी रोड पे एक और रोड कटती है दैट विल टेक यू टू ओल्ड मनाली, एंड पर्सनली आई बिलीव आई लव ओल्ड मनाली। राइट साइड में आपको जो वो कैफ़े दिख रहा है दैट इज़ वन ऑफ द फेमस कैफ़े ऑफ मनाली, जॉनसन्स कैफे। यहाँ बैठेंगे यार, परफेक्ट है। Right now we are on Leh Manali Highway, which connects the Manali Solang Valley to the Lahaul and Spiti Valleys in Himachal Pradesh and Zanskar Valley in Ladakh. आज का हमारा प्लान है कि अटल टनल जाए, वहां से आगे सिसु विलेज और वापस लौटते वक्त सोलांग वैली। सो लेट्स सी कितना कवर कर पाते हैं। टनल की तरफ जाते हुए रोड्स बहुत अच्छी है और व्यूज़ उससे भी ज़्यादा सुंदर है। शुरुआत में नदी भी मिलती है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पहाड़ियाँ भी सुंदर होती जाती है। जनरली क्या होता है कि जब भी कोई ट्रिप करता है तो या तो गर्मियों में करता है या सर्दियों में करता है, बट इन आवर 5 days ट्रिप वी गॉट टू सी माउंटेन्स विद स्नोफॉल, विदाउट स्नोफॉल एंड विद रेनफॉल ऑल्सो। सो इन आवर कमिंग वीडियोज़ वी विल शो यू द डिफरेंट व्यूज ऑफ माउंटेन। राइट नाउ यू कैन सी माउंटेन्स विद ओनली स्नो ऑन द पीक, बट इन कमिंग वीडियोज़ वी विल शो यू द व्यू ऑफ द माउंटेन विद द फर्स्ट स्नोफॉल। बंद है क्या? कहाँ से मतलब हम तो शिशु तक जा रहे हैं। एक टनल में टीचर पर अलाउड नहीं ले जाना, कैरी दूंगी आप। नहीं वैसे कुछ नहीं है, पैट हम चलते जा रहे हैं अटल टनल में। काफी लंबी टनल बनाई है, बहुत बढ़िया टनल है। मार्वेलस एग्जांपल ऑफ इंजीनियरिंग। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में देखने को मतलब इंडिया प्रगति पर है। इसमें कुछ कुछ जगह पे टेलीफोन बूथ्स भी है।
40 किलोमीटर का स्पीड लिमिट है और बीच में 60 किलोमीटर अब खत्म होने वाली है तो फिर से 40 किलोमीटर का फाइनली फाइनली वी हैव रीच द नॉर्थ पोर्टल। यहाँ पे आप प्रॉपर कार पार्क करके आसपास के व्यूज़ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ पे चाय, गर्मा गर्म चाय, कॉफ़ी और सूप भी मिलता है। क्राउड वॉज ऑसम। फाइनली यू कैन फील द वाइब्स ऑफ लद्दाख एट नॉर्थ पोर्टल। एज यू कैन सी पीपल आर टेकिंग फोटोग्राफ्स एट हैशटैग जूले। सो जूले इज़ बेसिकली कॉमनली यूज वर्ड इन लद्दाख टू ग्रीट एज हाय, हेलो और नमस्ते। अटल टनल के एकदम क्लोज चेनाब रिवर बह रही है और वाव कितना क्लीन पानी है। आसपास में व्यूज ऑसम है। दे हैव क्रिएटेड अ परफेक्ट लोकेशन टू स्नैप फोटोज। क्या व्यू था ना, सही अटल टनल पे भी एक स्पॉट हो गया एकदम। वो रहा सामने अटल टनल का दूसरा गेट और यहाँ से एकदम लद्दाख वाली फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। लद्दाख नहीं जाना तो यहाँ पे पोज खींच के आप बता सकते हो यार इन लद्दाख। चलो समृद्ध। टनल से लगभग 1 किलोमीटर दूर हम यहाँ पे चेक पोस्ट, पुलिस चेक पोस्ट पे खड़े हैं। यहाँ से आपको 200 रुपीस का पास लेना होता है टू एंटर द लाहौल वैली, जिसकी वैलिडिटी रहती है 24 आवर्स। Wow, now this is the view you can't get in any other season. What I call it as autumn at its best. ये व्यू देखने के बाद एक मूवी आपके दिमाग में सबसे पहले आएगी, दैट इज़ मोहब्बतें। मुझे भी सेम यही फीलिंग आई कि शायद मोहब्बतें के पत्ते सारे यहीं से आए होंगे। लुक एट द व्यू मैन, आई मीन आई जस्ट कांट बिलीव कि ऑटम में भी इतना अच्छा व्यू, इतने अच्छे पहाड़, इतने अच्छे पेड़ आपको दिखेंगे। ये सिसु लेक कहाँ पर होगा? इधर आगे नीचे वो बोर्ड लगा, लाल बोर्ड लगा ना कैफे का। हाँ हाँ। ओके। ओके। थैंक यू। The cafe, the Atal cafe. यहाँ से लेफ्ट साइड लेने पे सिसु लेक आएगा, ऐसा बोला गया है अभी। So we are on the way to Sisu Lake. Probably this is the Sisu Lake parking दिख रही है। सिसु विलेज पे आपको बहुत सारे खाने के ऑप्शंस मिलेंगे अलोंग विद गवर्नमेंट कैंटीन। उसके अलावा एक और बात नोट करनी है कि साउथ पोर्टल से एग्ज़िट करने के बाद डायरेक्ट अगर आपको वॉशरूम मिलेगा तो वो है सिसु लेक पे।
ये सिसु की पार्किंग लॉट है। हालांकि ये ओरिजिनली हेलीपैड है बट हेलीकॉप्टर के इतने ट्रैफिक नहीं रहता है जितना कार्स का रहता है, तो यहाँ पे कार पार्किंग बना दिया है। हमारी एक साइड पे चेनाब रिवर है, एक साइड पे सिसु लेक है। इतना ठंडा है ना, वो झरना कितना दूर है ना, मेरे ख्याल से वहां पे ट्रैकिंग करके जाते हैं। देखो टेंट लगा हुआ है। सामने आप देख सकते हो इस जगह की यूएसपी, पीले पीले पेड़ और पहाड़। कितना प्यारा है, ये एकांत ढाबा है जहाँ पे हम गए थे अभी, बट बिल्कुल एकांत नहीं था। सिसु लेक से वापस आते वक्त वैसे वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है खाने के, बट जब हम वापस आ रहे थे तब धूप चली गई थी, तो धूप में बैठने के लिए हम यहाँ पे आए। यहाँ पे फोटो शूट कराने के लिए बहुत ही अच्छा स्पॉट है। As decided, वापस आते वक्त हम सोलांग वैली पे रुके। उस समय वहाँ पे स्नो नहीं हो रही थी, बट उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, लाइक पैराग्लाइडिंग, स्नो स्कूटर राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, केबल कार, जिसमें से हमने केबल कार की राइड की, जिसकी टू वे टिकट 700 रुपीज़ पर हेड थी। वापस नीचे आते ही एक खरगोश वाले भैया वेट करके बैठे थे, और आपके साथ अगर बच्चा है तो डेफिनेटली आपको उसके साथ फ़ोटो खिंचानी होगी, तो उसके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए 30 रुपये लगेंगे। और हमने हिमाचली ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के भी फ़ोटोग्राफ खिंचाई, बट फिर लास्ट में ऐसा लगा कि शायद इसके चार्जेस यहाँ पर ज़्यादा लिए, 150 रुपीज़ पर हेड, जो कि हमें हिडम्बा टीवी टेम्पल में ओनली 80 रुपीज़ पर हेड में मिल गए थे विथ फ्लावर्स। दैट्स इट फॉर द डे टू। Our day 3 plan is Rutang Pass, so see you soon. Thank you for watching guys. Please like, share and subscribe our channel.